Hello, stupids, students. It's time for today's science lesson. जहां मैं अपने अंदर के सोए टीचर को जगाता हूं, साइंटिफिक प्रिंसिपल समझाता हूं. अब जो नजारे आप देखेंगे उसमें एक खास साइंटिफिक प्रिंसिपल छुपा है. जरा बताइए कौन सा. वैसे बीच पर सनबेदिंग का अपना ही मजा होता है और ऐसे दोस्त हो तो और मजा आता है. एक लड़की की पावर जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था, और स्केटिंग करने वाला ये लड़का जो थिन आइस पर अपने स्टंट्स दिखा रहा है. कौन सी साइंस छुपी है इन सब में. अरे एंजॉयमेंट के साथ दिमाग भी चला लेते. एक्चुअली इन तीनों ने डेमोंस्ट्रेट किया प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर. जानता हूं कईयों को पता है ये क्या है, तो सुन लीजिए साइंस. लिसन. लार्ज सरफेस लार्ज एरिया में फोर्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिससे प्रेशर कम होगा. इसीलिए जिस ऑब्जेक्ट को मारा गया है वो पेनिट्रेट नहीं होगा, पर उतना ही फोर्स कम सरफेस एरिया पर लगाया जाए तो प्रेशर बढ़ जाता है और जिस ऑब्जेक्ट पर मारेंगे वो कट जाएगा. आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर. अगर अप्लाइड फोर्स ज्यादा बड़ा है तो वीकर ऑब्जेक्ट को हार माननी ही पड़ेगी. तो टमाटर और हथौड़े की फाइट में हथौड़ा ही विनर होगा. अब देखते हैं कौन कितना ध्यान दे रहा था. क्वेश्चन वन. अगर फोर्स स्मॉलर सरफेस एरिया पर लगाया जाए तो प्रेशर हाई होगा या लो. विद एग्जाम्पल समझाएगा ये साइकिल बाज. ओहो, वो सब तो ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया. मैं समझाता हूँ कैसे. बाइक और राइडर का वेट सिर्फ फोकस होता है व्हील के बॉटम पर. स्टंट तो ठीक है, पर रैंप बनवाने के पैसे दे देना. क्वेश्चन नंबर टू. जरा ये बताएं, जब दो अलग अलग साइज के ऑब्जेक्ट्स की स्ट्रेंथ को एक साथ प्रेस किया जाता है तो क्या होता है. से आइए देखते हैं. जी हाँ, जो वीक ऑब्जेक्ट होगा वो सरेंडर कर देगा. ये नमूना स्काईलाइट की स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहा है. बाबा, नमूना जीत गया. वेल, इसके हिलने से फोर्स बढ़ गया और प्रेशर बढ़ गया और स्काईलाइट ने इस नमूने से हार मान ली. और जब ये गिरा कंक्रीट फ्लोर पर, इसकी कमर ने भी हार मान ली. टेंशन मत लीजिए, गहरी चोट नहीं आई है. एंड फाइनली क्वेश्चन थ्री ऑफ आवर साइंस लेसन. प्रेशर इज रिलेटेड टू सरफेस एरिया और क्या. बताइए. टेल. जी हाँ, इट्स रिलेटेड टू फोर्स टू, जो इन बच्चों के पास तो है ही नहीं, पर डैडी जी के पास है. और डैडी जी का फोर्स इतना जबरदस्त था कि चॉकलेट की बारिश हो गई और बच्चे खुश हो गए चट्टा. आप इस बच्चे का फ्यूचर गेस कर सकते हैं. देखिए और देखिए अब क्या लगता है. नहीं समझे. अरे हमारे यहाँ हर कोई स्टूपिड नहीं बनता. ये बनेगा नेता जुगाड़ू, जिसे अपना काम करने के सब जुगाड़ पता है. शाबाश बेटा, तेरा फ्यूचर ब्राइट है. चल बेटा, मम्मी से हाई फाइव ले ले. एक डैडी को सबसे खुशनुमा फीलिंग तब होती होगी जब अपने कंधों पर अपने बच्चों को बिठाकर घुमाए. ये देखिए, वाह वाह, द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर डैडी, कमाल है. और ये देखिए, ओवर हैप्पी लोगों का ओवर रिएक्शन. ये तो बवाल है. जी हाँ, कंधों पर चढ़ने का काम बच्चों के लिए ही रहने दे तो बेहतर होगा. ट्रस्ट मी, हाई कंबाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको दर्द का फुल डोज दे सकती है. अब देखिए, सुनिए और समझिए. जब कोई कंधे पर बैठता है तो दो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाती हैं, जिससे बनती है ऊंची और ज्यादा जोखिम भरी कंबाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी. जिस बंदे को उठाया है, अगर उसका मास ज्यादा है और हाइट भी ज्यादा है तो उठाने वाला लेस स्टेबल होगा, और अगर चलने की कोशिश की तो कंबाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मोमेंटम बढ़ेगा. मतलब उसके बाद आपने रुकने की कोशिश की तो गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है. अगर अब भी आपके दिल में किसी बड़े को शोल्डर पे उठाने का मन करे तो देख लें, वो जितना लो हो सके उतना रखें, आपके पैरों के ठीक ऊपर रखें और उसका वेट आपके वेट से दुगना बिल्कुल ना हो. What rubbish, bro! I carry people
Twice my size, bro. Sometimes तुम ना लोगों को ऐवी डराते हो, you know I feel. क्यों? काश मैं तुझे प्यार भरा थप्पड़ दे पाता, पर चल कोई बात, मैं तुझे प्यार से समझा देता हूँ, समझ ले. क्यों? देखा तूने? And it's not a joke. Oversized mass, high combined center of gravity और बेस से इतनी दूर रहने का नतीजा फ्लोर पर जबरदस्त पटकनी. इसकी हड्डी नहीं टूटी पर आपकी ना टूटे इसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए प्लीज डू नॉट ट्राई दिस. ये जो खेल खेल रहे हैं इन स्टूपिड्स को भी नहीं पता ये कौन सा गेम है, पर मुझे पता है ये गिरने वाला है. देखिए, कहा था ना मैंने इन स्टूपिड्स की ना रग रग से वाकिफ हूँ मैं. अरे वाह, ये है ना असली वुमन पावर. अरे भाई, कौन कमबख्त कहता है कि लड़कियों में पावर नहीं होती. हाँ, दोनों में कमाल की शक्ति है भाई. ये तो नारी शक्ति है, नारी शक्ति. बरखुरदार, हमारी ही नजर लग गई मुझे लगता है महिलाओं को. देखिए, हमें गलत मत समझिए, हमारी कोई गलती नहीं है, लगता है इनका बैलेंस बिगड़ गया. साइंस नहीं सीखेंगे तो ऐसा ही होगा ना. नारी शक्ति के बाद देखते हैं पुरुष पावर. लड़कों ने तो नाक कटाने में PhD की हुई है. अरे ज्यादातर स्टूपिड्स ये दावा करते हैं कि उनके जैसा स्टूपिड पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, वही अव्वल नंबर है. इमरजेंसी ब्रेक्स, एज द नेम सजेस्ट, सिर्फ इमरजेंसीज में यूज होता है. वेल, क्योंकि अचानक रुकने का अंजाम भयानक भयंकर हो सकता है, और ऐसा इमरजेंसी ब्रेक हर तरह के व्हीकल में लगता है. चार पैर वाले लगाते हैं, चार पहिए वाले लगाते हैं. अरे यो तो महंगा पड़ गया भाई. और दो पहिए वाले ब्रेक के साथ पलटी भी खाते हैं. उत्तरी, अरे यार बिस्ती होगी. ऐसे अचानक ब्रेक लगाना है तो न्यूटन अंकल का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझना होगा, जो है एवरी ऑब्जेक्ट इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन tends to remain in that state of motion unless an external force is applied to it. Or two-wheelers mein ye aise kaam karta hai. Braking ke dauran inertia bike aur rider ke combined center of mass ko forward wheel ke upar pull karta hai. Isse front wheel ko zyada traction milta hai. But agar aap lagate hain front wheel par zabardast brake to inertia ke saath slowing force milkar aisa turning effect paida karega ki rider jayega seedha sadak par. Achanak brake ke baad zalim turning effect ko counter karne ke liye ek to aap piche lean ho sakte hain, aur second option hai front aur back wheels ke brake ko balance karke lagana. Well, aap keh rahe honge isme kaun si nayi baat bata di maine, par kuch hain जिन्हें पता होता है फिर भी. क्या लगता है इसे पता होगा? देख लेते हैं. अरे नहीं यार, इसका तो लाइसेंस ही कैंसिल कर देना चाहिए. अरे कहा था ना मैंने, मोमेंटम इतना बना हुआ है और अचानक फ्रंट व्हील पर ब्रेक लगाया है तो टर्निंग इफेक्ट एक्शन में आएगा ना बालक. कभी कभी सुहाने सफर में भी अचानक ब्रेक लगाना मजा किरकिरा कर देता है. वैसे गलती आगे वाले की थी, पीछे वाला तो अपने ख्यालों में आराम से चल रहा था. इसीलिए कहते हैं बाइक या कार चलाते समय अपना ध्यान रास्ते पर रखें और गाड़ी ध्यान से चलाएं, सुरक्षित रहेंगे. अच्छा एक फैक्ट सुनिए, आपका फ्रंट ब्रेक आपको 70% स्टॉपिंग पावर देता है ताकि रेयर व्हील पर ट्रैक्शन कम हो. अच्छा, आपको पता था? नहीं, लगता नहीं है ना इसलिए. इस बाइकर को देखिए, वेरी गुड, अच्छा जा रहा है. आई शपथ, इसको बिल्कुल नहीं पता था, इसलिए इसने दोनों ब्रेक लगा दिए. पहले लगाया बैक ब्रेक जिससे हुई बाइक स्किड, और फिर लगाया फ्रंट, और बेचारा पलटू मामा उछलकर सीधा जमीन पर गिर गया. कभी कभी सब कुछ पता होते हुए भी कुछ भी सही नहीं होता, जैसे इनके साथ हुआ. पता चल गया सामने वाली कार रुक गई है, ब्रेक लगाया भी, पर फिर भी चलिए फिर से देखते हैं. देखिए अब आगे की कार रुक गई है, ब्रेक लगाया, लेकिन अब साइंस ने खेल खेला. गाइस, अगर मास ज्यादा है तो ब्रेकिंग फोर्स भी ज्यादा चाहिए. अगर आप सोच रहे हैं ब्रेक का ये झमेला सिर्फ टू व्हीलर्स में होता है तो ऐसा नहीं है. इन्हें देखिए, गलत ब्रेक को किसी में भी लगाओ, रिजल्ट यही मिलेगा. आप लोग ऐसा मत करना प्लीज यार. लोगों की स्टूपिड हरकतों से आज इतनी ही साइंस सीखते हैं.
अभी तो जर्नी लंबी है, स्टूपिडो की कमी नहीं है, डेस्टिनेशन की टेंशन क्यों ले रहे हैं। तो स्टूपिड और स्टूपिड हरकतों को भूल जाएं और साइंस याद रखें, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। वेल आई वांट टू थैंक एमपी प्रा एंड फैंस मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, यू नो आई नो वन डे मैं इनसे ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा एंड दिस शो विल बी माइन। और ऐसे मतलबियों से भी ना बिल्कुल बच के रहिएगा। स्टे सेफ, सी यू, बाय बाय।